आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी हैं एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। देखिए मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं रहती है, हमेशा याद रखिएगा, चूड़ी का एगो अलगे बक्सा होता है, समझ में आ गया? वो काली बंगा से मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं होता है। मेकअप का मतलब था पोत पात वाला चीज होता है, वो जो होता है चूड़ी वाला अलग होता है, एगो गहना वाला अलग होता है। जिस तरह सामान, जिस तरह आप चौक पे से मिस्त्री को लाइएगा ना, राजमिस्त्री को, तो अपने सामने सूता साहूल बसुली हेन तेन लेके चलते हैं सर, वैसे महिला भी सब लेके चलती है सर, सूता साहू बसुली बक्सा पेटी है। बर्थ एरिया कहीं ब्याह शादी में जाए, अच्छा 300 का दिमाग होता है, ब्याह में जाएगी ना तो एगो कपड़ा पहनेगी 11 बजे चेंज कर लेगी। और फिर एगो पहन लेगी शाम को, फिर एगो दूसर तीसर पहन ले, 3 गो। कोई लड़का इतना ध्यान देता है? लड़का जिंदगी हो या क्लास, हमेशा वो टारगेट बैच खोजता है। उसको आलतू फालतू जगह टाइम मतलब नहीं है उसके पास, उसको 75 को काम रहता है, समझ गए? और अपने में अपने 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 को दिखाएगी सब यहाँ पर, अजब हाल है यार। चले एक लड़की करिए सर, लड़का अगर ध्यान नहीं देता है तो पता कैसे चलता है उन सबको। अरे भाई अब कोनो सामने में आके फोकस मारेगा तो आंखवा थोड़े बंद करेगा वो। अरे शादी ब्याह में देखना आगे आके फोकस मारेगी से, इसे डायरेक्ट नहीं आएगी कोनो सामान के बहाने, ये सामान नहीं मिला कहाँ है। नहीं कहाँ है। वाह, हम लड़कों की बुराई नहीं सुन सकते हैं, लड़का एकदम विष्णु होता है। अफवाह, मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया? अफवाह तो बहुत सारी चीजों का हो जाता है, अफवाह बहुत उड़ाया जाता है कोनो कोनो चीज का। कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का ब्याह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है। ये कौन सा मानसून से रिलेटेड? मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में बरसा होगा तो गधा का ब्याह होगा। सियार का ब्याह होता है, गधा का नहीं। देखिए ये सियार है, समझ गया? वाह, समझा गया। तो जब फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, इसलिए कैसे इसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है। इसे नचा के पहन लेता है, फिल्म में हीरो होता है, टकला पे माचिस जला देता है। एगो गाना है कि ए खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मने तू भगवान तेरे बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा? ये कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए? लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है सर। बताओ यार, पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है जो इनको यार हंसेगा, दास चिया देगा, आए हैं तो वर्षा कराओ? अरे सर, तू बृष्टि छाया में होगा तो कहां से वर्षा होगा? तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे, हंसो चाहे रो, ठंड में वर्षा हो जाएगा, मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो, फुसल जाएगी सब, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आंसर बकलोल रहे हैं जिन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं, इनके यार लगे चल जाओ, कहो ए नाचियार वर्षा होगा। इचरा कहीं क्या ठीक है, यहाँ आदमी का मानसून पढ़ेला में दिक्कत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किधर से आएगा? अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा? मालाबार से टकराएगा। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी, सूर्य की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए। यार हंस रहा। 2 साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था
वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा। समझ में आएगा दिल की यार। इस चचा सबको कौन समझाएगा। लड़की सबको अगर खुश रखना है ना, बस तारीफ करो, बस तारीफ करो। वो हाथी भी हो जाए ना, कहे तुम तो हिरन लगती हो ससुरी तुम्हें। नहीं हिरन लगती हो, उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना, कोई भी तारीफ। एकदम आनर हो जाए ना तो उसका नाम रख दो नयन सुख। ससुरा नयन सुख, ससुरा सब बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई अब आगे आते हैं, लड़की सब सुनती है तो घुसी आती है सब, क्या करेगी सब घुसी आके। हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सबका। हम लड़की सबका कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार। कोई लड़का बोल दे हम लड़की का मजाक उड़ाते, सारे लड़के मेरे पक्ष में। हम दो लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते, सीबीएसई बोर्ड वालों का, लड़की सबका। अरे बकलोलवा आशीष कुमार यादव कह रहा है कि तुम किस चीज की तैयारी करती हो, तोरा कौन चीज करना है रे ओकरा से। कोनो चीज की तैयारी करे, ब्याह करेगा ससुरा यहाँ पढ़ना, ओकरा फंसा रहा है, लड़की से मत फंसना। कहता है किस चीज की तैयारी करती हो, यहाँ हम समझा रहे हो, पूछ रहा है किस चीज की तैयारी करती हो। कोनो ब्याह ना करता है, सोचे 10 रुपया का डेरी मिल्क देख के खुश हो जाता है। लड़कियों बकलो लो से 10 रुपया का डेरी मिल्क खोलती है। चलो इधर देखो ध्यान से, कोई लड़की अपना एड्रेस वड्रेस नहीं देगी कमेंट बॉक्स में, अन्य तो फंस जाएगी, तुम लोग फंसा लेगा सब। फिर सावधानी अच्छी है। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे तो उनका बचवा बीमार था ठीक हो गया। तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना, हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहे बचवा को छोड़ के कहाँ चाहिएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हम ही। तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से चले तुम्हें मंगलो कह तो कौन चीज। हमको लगा इतनी चुकी ले आ देंगे, कौन रंग का चाहिए, तो कहीं लाल रंग का। हमको अभी खरीदे नहीं थे, दुकान पे गए, हम कहे कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी, कौनों दे ना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए। तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रहे तुरी क्या ये कौन चीज होता है, लालों में कई रंग होता है क्या। तो हम कह दिखाइए, और ये बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी। हमारा तो दिमाग ही सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-43 नंबर का। मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहती हाँ खा ली है। अरे सचरी सचरी कहीं की इतनी चुकी हो जाएगी तो करा गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है। प्रेम वरेम वाला लाइन बहुत खराब होता है, इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा। और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर उस ससुरा फिर उसका हिम्मत होगा दूसरे का उठा के देखे मुंडी है चाचा बाढ़ में जो यहाँ पर। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे बात तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो जो तोरा पता चलता है वो डेमो है, डेमो एडमिशन बाद तोरा बताएगा। जो चोटी बांध देती है उससे तो भैंस घिस सकता है, मतलब ऐसा नहीं है वो तो मोटका, अगर उसको रस्सी मजबूत नहीं रहता होगा। तो आप देखिए छोटा छोटा रेशा मिला के बहुत मजबूत होता है। हम लोग छोटे थे ना, हम लोग के साथ छोट में तो सब खेलते रहता था, तो एक लड़की झगड़ा कर ली तो उसको चोटियां पकड़ के टांग लिए थे लोग।
200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है, समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का, अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? लड़कों का दिल होटल होता, ओए खत्म हो गया। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। देखिए मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं रहती है, हमेशा याद रखिएगा, चूड़ी का एगो अलगे बक्सा होता है, समझ गया? वो काली बंगा से मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं होता है। मेकअप का मतलब था पोत पात वाला चीज होता है, और वो जो होता है चूड़ी वाला अलग होता है, एगो गहना वाला अलग होता है। जिस तरह सामान, जिस तरह आप चौक पे से मिस्त्री को लाइएगा ना, राजमिस्त्री को, तो अपने सामने सूता साहूल बसूली हेन तेन लेके चलते हैं सर, वैसे महिला भी सब लेके चलती है सर, सूता साहू बसूली बक्सा पेटी है। बर्थ एरिया कहीं ब्याह शादी में जाए, अच्छा 300 का दिमाग होता है, ब्याह में जाएगी ना तो एगो कपड़ा पहनेगी, 11 बजे चेंज कर लेगी। और ये फिर एगो पहन लेगी, शाम को फिर एगो दूसर तीसर पहन ले, तीन गो। किसी कोई लड़का इतना ध्यान देता है? लड़का जिंदगी हो या क्लास, हमेशा वो टारगेट बैच खोजता है। उसको आलतू फालतू जगह टाइम मतलब नहीं है उसके पास, उसको 75 को काम रहता है, समझ गए? और अपने में अपने 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 को दिखाएगी सर, यहाँ अजब हाल है यार। चले एक लड़की करिए सर, लड़का अगर ध्यान नहीं देता है तो पता कैसे चलता है उन सबको। अरे भाई अब कोनो सामने में आके फोकस मारेगा तो आंखवा थोड़े बंद करेगा वो। अरे शादी ब्याह में देखना आगे आके फोकस मारेगी सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी, कोनो सामान के बहाने, ये सामान नहीं मिल रहा कहाँ है। अरे जरूरत नहीं, कहाँ है। वाह, हम लड़कों की बुराई नहीं सुन सकते हैं, लड़का एकदम विष्णु होता है। अफवाह, मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया? अफवाह तो बहुत सारे चीजों का हो जाता है, अफवाह बहुत उड़ाया जाता है कोनो कोनो चीज का। कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का ब्याह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है। ये कौन सा मानसून से रिलेटेड? मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में बरसा होगा तो गधा का ब्याह होगा। सियार का ब्याह होता है, गधा का नहीं, देखिए सियार है, समझ गया ही। वाह, समझ गया। तो जब फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, इसीलिए कैसे इसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है, इसीलिए नचा के पहन लेता है, फिल्म में हीरो होता है, टकला पे माचिस जला देता है। एक वो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मैंने तू भगवान तेरे बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा, कि कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए। लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है सर। बताओ यार, पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है
जो इनको यार हंसेगा दास चिया देगा है, है, तो वर्षा कराओ। अरे सर तू बृष्टि छाया में होगा तो कहाँ से वर्षा होगा, तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे हंसो चाहे रो, ठंड में वर्षा हो जाएगा, मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो फुसल जाएगी सब, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आंसर बकलोल न है जो इन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं, इनके यार लगे चल जाओ, कहो ए नाचियार वर्षा होगा। कहीं क्या यहाँ आदमी का मानसून पड़ेला में दिक्कत हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस किधर से आएगा, अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा, मालाबार से टकराएगा, 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी, सूर्य की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए। यार हंस रहा है। 2 साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा। समझ में आएगा दिल किया इस चचा सब को कौन समझाएगा। लड़की सबको अगर खुश रखना है ना बस तारीफ करो, बस तारीफ करो, वो हाथी भी हो जाए ना कहे तुम तो हिरन लगती हो ससुर इतना हिरन लगती हो, उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना, कोई भी तारीफ एकदम आनर हो जाए ना तो उसका नाम रख दो नयन सुख। नयन सुख सब बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई अब आगे आते हैं, लड़की सब सुनती है तो घुसी आती है सब, क्या करेगी सब घुसी आके, हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सब का, हम लड़की सब का कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार, कोई लड़का बोल दे हम लड़की का मजाक उड़ाते, सारे लड़के मेरे पक्ष में, हम दो लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते, सीबीएसई बोर्ड वालों का लड़की सबका। अरे बकलोलवा आशीष कुमार यादव कह रहा है कि तुम किस चीज की तैयारी करती हो, तोरा कौन चीज करना है रे ओकरा से, कोनो चीज की तैयारी करे, ब्याह करेगा ससुरा यहाँ पढ़ना, ओकरा फंसा रहा है, लड़की सब मत फंसना। कहता है किस चीज की तैयारी करती हो, यहाँ हम समझा रहे ओकरा पूछ रहे किस चीज की तैयारी करती हो, कोनो भी आना करता है सोचे 10 रुपया का डेरी मिल्क देख के खुश हो जाता है, लड़कियों बकलोल से 10 रुपया का डेरी मिल्क खोलती हूँ। चलो इधर देखो ध्यान से, कोई लड़की अपना एड्रेस वड्रेस नहीं देगी कमेंट बॉक्स में, अन्य तो फंस जाएगी तुम लोग, फंसा लेगा सब, फिर सावधानी अच्छी है। एक हमारी रिलेटिव थी उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए, हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे तो उनका बचवा बीमार था ठीक हो गया, तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है, हम कहे बचवा को छोड़ के कहाँ चाहिएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हम ही, तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से चले तो मंगलो कह तो कौन चीज, हमको लगा इतनी चुकी है ले आ देंगे, कौन रंग का चाहिए, तो कहीं लाल रंग का, हमको अभी खरीदे नहीं थे दुकान पे गए, हम कहे कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए, तो हम कहीं कौन कंपनी है, कोनो दे ना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए, तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रे तुरिका ये कौन चीज होता है, लालों में कई रंग होता है क्या, तो हम कह दिखाइए, अरे बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी, हम हमारा तो दिमाग ही सनक गया, तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, दूसरे जगह यूज रखता है, तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-43 नंबर का, मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी, अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कह दी हाँ खा ली है, अरे सचरी कहीं की इतनी चुकी हो जाएगी तो गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है। प्रेम वेम वाला लाइन बहुत खराब होता है, इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा, और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है,
एक बार लात खा जाएगा ना, फिर सोच रहा फिर उकरा हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देखे मुंडी जबा में जो यहाँ पर। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खा, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे बात तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो जो तोरा पता चलता है वो डेमो है, डेमो एडमिशन बाद तोरा बताएगा। जो चोटी बांध देती है उससे तो भैंस घींच सकता है, मतलब ऐसा नहीं है वो तो मोटका, अगर उसको रस्सी मजबूत नहीं रहता होगा। तो आप देखिए छोटा छोटा रेशा मिला के बहुत मजबूत होता है। हम लोग छोटे थे ना, हम लोग के साथ छोट में तो सब खेलते रहता था, तो एक लड़की झगड़ा कर ली तो उसको चोटिया पकड़ के टांग लिए तो लोग ऐसे यहाँ। 200 में 200 पारा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है, समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का, अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? लड़का का, लड़कों का दिल होटल होता, होटल। ओए खत्म हो गया। हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिंटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो, अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। nice one, nice. तो वही यही से पूछता है, भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया, हम तो आपको धाएं दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में, लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया है, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा लो, टुंडरा टैगा यहाँ पर, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है ये? इस सबको उन्होंने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं जी आगे कहीं इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम, इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है सब, टुंडरा बोल रहे तो अपन फोटो भेज रही है सर। और दिखाइए ये अब तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग, अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला, और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा था इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सर कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा आज टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब, सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा, तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना खूब सुंदर,
तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया, तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फंसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना एकरे देख लीजिए, ऐश्वर्या राय को सुजरा कोना से ब्याह की हूँ, अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली ये थे। और दिखाइए, अजब हाल है भाई, वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझा गया, वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सर, अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के उसमें नहा लेगी सर, तो गोर ना हो जाएगी सर उस समय। भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा। तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चींटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया, कश्मीर के लोग गोरे काय होते। अच्छा, कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला उनको देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल, समझा गया कि नहीं। आ भूगोल कितना ईजी है ना, ईजी नहीं है बकलोल, कहेंगे ईजी नहीं लग रहा है इसको। सुतल है, आगे बढ़े। तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी, और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई। और दिखाइए, बस खत्म।